हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद चुने गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की डांट पड़ गई। दीपेंद्र हुड्डा संविधान के जय को लेकर स्पीकर को कह रहे थे कि उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हालांकि स्पीकर इससे नाराज हो गए। इसको लेकर हरियाणा की राजनीति भी गर्मा गई। हरियाणा बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बदतमीजी करने पर दीपेंद्र हुड्डा को डांटा। इसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए लिखा, इस अहंकार ने आपको हाफ किया है, यही अहंकार आपको साफ कर देगा। संविधान की बात करना बदतमीजी नहीं, एक सांसद का कर्तव्य है। संसद भवन में 18वीं लोकसभा के नए चुने सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है। गुरुवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शपथ ली। शपथ के अंत में उन्होंने जय संविधान कहा। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने भी जय संविधान कहा। इसके बाद शशि थरूर स्पीकर से हाथ मिलाकर नीचे उतरे तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा, संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद चुने गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की डांट पड़ गई। दीपेंद्र हुड्डा संविधान के जय को लेकर स्पीकर को कह रहे थे कि उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हालांकि स्पीकर इससे नाराज हो गए। इसको लेकर हरियाणा की राजनीति भी गर्मा गई। हरियाणा बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बदतमीजी करने पर दीपेंद्र हुड्डा को डांटा। इसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए लिखा, इस अहंकार ने आपको हाफ किया है, यही अहंकार आपको साफ कर देगा। संविधान की बात करना बदतमीजी नहीं, एक सांसद का कर्तव्य है। संसद भवन में 18वीं लोकसभा के नए चुने सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है। गुरुवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शपथ ली। शपथ के अंत में उन्होंने जय संविधान कहा। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने भी जय संविधान कहा। इसके बाद शशि थरूर स्पीकर से हाथ मिलाकर नीचे उतरे तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा, संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है।